Hey guys, good morning, what's up, कैसे हम सब। और मेरा भी थोड़ा मन कर रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊं, जोर से बारिश आ चुकी है तो अभी मेरा प्लान बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, चेंज हो चुका है। वो तो ये नहीं पता कि यहाँ से लेनी है कि कहाँ से लेनी है, क्या पता वो दिल्ली से ही लेनी हो। जब भी हम जाएं शायद कल का ना बन जाए प्लान। Hey guys, good morning, what's up, कैसे हम सब। मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बाकी सुबह के बज चुके हैं अभी 8 और आज मैं पार्क वगैरह किसी जगह नहीं गया क्योंकि आज मुझे भाई के साथ रोहतक जाना था। रोहतक मुझे थोड़ा सा काम था आपके लिए, ऑडियंस के लिए, मतलब वहाँ की कुछ मार्केट्स हैं स्पेसिफिक जहाँ पे मैंने आपको विजिट कराना है। और मेरा भी थोड़ा मन कर रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो इसलिए पास में मुझे रोहतक ही लगा तो मैं भाई के साथ चला जाऊँगा। तो बस पे ही जाना है, हमने बाइक पे नहीं जाना क्योंकि बाइक पे जाना रिस्की भी हो सकता है, हाईवेज है ना, चलते हाईवेज है मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए भाई के साथ बस पे चला जाऊँगा। आराम से रोड बेस पे जाएंगे, मज़ा करेंगे। और आपको ये भी बता दूँ कि आज सुबह बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, पर सीन कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी यहाँ से घर से ही फ़ोन नहीं लेगी थी, लेकिन स्कूल में फिर जाके देखा तो कुछ होना तो था ही नहीं, कुछ पर्स में वगैरह फ़ोन तो होना ही नहीं था क्योंकि फ़ोन तो यहीं छूट गया था शुरू में ही, सुबह ही फ़ोन यहाँ छूट गया था। तो मम्मी ने वहाँ से किसी और का फ़ोन लेके, किसी और मैम का फ़ोन लेके यहाँ फ़ोन किया घर पे कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन नहीं है तो एक बार फ़ोन चेक करो घर पे है नहीं है कि नहीं है। इसलिए घर पे भी फ़ोन देखा, नहीं मिला क्योंकि वो साइलेंट था, कुछ ऐसी जगह पड़ा था वॉशिंग मशीन के अंदर पड़ा था तो किसी को पता नहीं लगा। लेकिन मैं अब यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा एकदम से मेरी आंखों में फोटो सी क्लिक हुई क्योंकि फ्लैश जल रही थी उस फ़ोन की, तो ऐसे करके वो फ़ोन मिला। फिर मम्मी को हमने बताया कि फ़ोन घर पे ही रह गया, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज पापा की जॉब की भी ऑफ ही थी, मतलब ऑफ ही रहे, सैटरडे का ऑफ ही होता है तो इसलिए पापा भी पार्क जा चुके हैं आज घूमने के लिए। और सबसे पहले तो नहाना है फिर ब्रेकफास्ट करना है, देखते हैं क्या कुछ बने। सो गाइस, नहा धो के फुल रेडी हो चुके हैं, ये कुछ ड्रेस हमने डालनी है वहाँ जाने के लिए, रोहतक जाने के लिए। और अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है। आलू गोभी की सब्जी है और चपाती है। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलता हूँ सीधा रोहतक में। तो हे गाइस, अपना पोपट हो चुका है क्योंकि मैंने जाना था भाई के साथ रोहतक, भाई ये खड़ा पीछे। और इतनी जोर से बारिश आ चुकी है तो अभी मेरा प्लान बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, चेंज हो चुका है जाने का। भाई को ड्रॉप कर दूंगा बस स्टैंड पे, बस उसके बाद आके चाय पीते हैं क्योंकि नाश्ता भी भागते दौड़ते करें है। और छतरी ले ली है भाई? हाँ जी भाई, अम्ब्रेला ले लिया इसने, इसको छोड़ाता हूँ फिर घर आके सीन देखते हैं। सो गाइज, ब्रेकफास्ट इज डन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, भाई को मैं ड्रॉप कर रहा है। बाकी एक बार जो प्लान कैंसिल हो जाए ना, मतलब मैं रोहतक जा रहा था और एक बार कैंसिल हो जाए तो वो दोबारा जाने का बनता ही नहीं है। आपसे आज का सीन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज का सीन क्या है। मेन आज का सीन है कि हमने एक बार मार्केट में जाना है, चाचू की दुकान पे, चाचू की मोबाइल की शॉप है, वहाँ से अपने फ़ोन का कवर लेना है जो कि लगभग एक साल से लगा हुआ है। ये पिछले वाला कवर बहुत ख़राब हो चुका है, पेंट वगैरह साइड से उतर चुका है, मतलब जो भी कलरिंग वगैरह होती है उतर चुकी है, इसलिए नया का नया कवर लाएंगे वहाँ से और दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे मार्केट्स हैं फ़ोन्स वगैरह की। चाचू की पर्सनल शॉप है फोन्स वगैरह की, वहाँ पे भी देखते हैं क्या कुछ काम वगैरह चल रहा है। और दूसरा काम ये है कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है यूट्यूब की, थोड़ी बहुत वीडियोस देख के कि अच्छे माइक कहाँ से मिलते हैं, मतलब व्लॉगिंग सेटअप के लिए लगा लो, हेलमेट माउंट के लिए माइक, क्योंकि वो जो मेरा माइक है ना यार वो थोड़ा सा गुड़ गुड़ मतलब आवाज़ ज़्यादा करता है, मतलब वो डेंस आवाज़ आती है जिसके कारण डीबी आवाज़ की बढ़ जाती है। डीबी एक वैल्यू होती है कि जो आवाज़ बढ़ जाती है और उससे गूंजने लगती है आवाज़ हेलमेट के बीच में, इसलिए अच्छी आवाज़ नहीं आ पाती। तो उसके कारण एक बार सारी वीडियोज़ देख लेंगे आप कि माइक अच्छे कहाँ से मिलते हैं। और हमारा प्लान ये है एक दो दिन में, क्या बताओ कल हो जाए संडे के दिन, दिल्ली में जाने का, वहां से थोड़ा बहुत अच्छे से देख देख के अच्छा सा बजट फ्रेंडली माइक लाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा महंगा का तो ऑब्वियसली नॉट नहीं लाएंगे, ज्यादा महंगा तो क्योंकि अपना इतना बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सा वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए स्मॉल सेटअप करेंगे, वो काफ़ी है हमारी वीडियो के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके जैसे सेटअप बड़ा होता जाएगा, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा आती जाएंगी, हमें नॉलेज ज़्यादा होती जाएगी वीडियो बनाने की कि वीडियो कैसे बनानी है, उसके हिसाब से सेटअप भी ज़्यादा होता जाएगा और सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से हमें आती जाएंगी। तो अब चलते हैं और सीधा मिलूंगा आपको चाचू की शॉप पे। फाइनली आ चुका हूँ मैं चाचू की मोबाइल की शॉप है, जैसे कि आप सबको पता है। ये रे चाचू, एक बार हेलो कह दो। हाय। और ये भैया भी हेलो कर दो। हेलो चाचू, फ़ोन के कवर मिल जाएंगे 12 प्रो के? चलो एक बार फ़ोन के कवर देखते हैं और देखते हो चाचू वीडियोज वगैरह होगी। बिल्कुल, एक बार फ़ोन के कवर देख ले फिर आपसे मिलते हैं। सो
गाइस चाचू की दुकान से कवर लेके वापस घर पे आ चुका हूँ, सेफली अच्छे से आ चुका हूँ। और आपको ये बता दूं कि रास्तों पे इतनी चेकिंग बढ़ती जा रही है आजकल, पता नहीं शायद इलेक्शन की वजह से ही होगा ये सब, बहुत ज्यादा चेकिंग है। मैं तो 2 बार रुका था, 2 बार चेकिंग हुई थी, सारे पेपर्स वगैरह उन्होंने निकलवाए मेरे, वो तो सारी चीजें हैं अपने पास इसलिए आप सिक्योर हैं। लेकिन आप ध्यान से जाना हमेशा, क्योंकि ये तो छोटी सिटी है, इसमें भी इतनी चेकिंग है तो दिल्ली वगैरह में कितनी चेकिंग होगी। सो हे गाइस, मम्मी स्कूल से आ चुके हैं, यहाँ पे नानी खाना बना रहे हैं, अगर मम्मी से मिलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू बेटी। आज मम्मी सुबह क्या हुआ? सुबह कुछ फोन का मैटर था। सुबह पूछ मत, फोन रहेगा घर पे और मैं बस में बैठते ही मैम को, दूसरे मैम को कॉल करने लगी और देखा तो फोन नहीं और दिमाग घूम गया भाई। मम्मी लिटरली गाइस फोन ऐसे था कि फोन तो घर पे छूट गया, लेकिन मम्मी वहाँ आपस में ढूंढ रही है कहीं पे, देख रही है कि फोन वहां पे रह गया। मौसम दोबारा से चिल्ड हो चुका है। बाकी अभी अपने YouTube के शॉर्ट्स के सेटअप के लिए हमने RGB लाइट्स पता करनी है, तो एक बार पापा को आने दो, फिर पापा के साथ जाएंगे या अपने आप अकेले भी चले जाएंगे RGB लाइट्स का पता करने, क्योंकि वो बैकग्राउंड्स में एक अच्छा सा लुक दे देती है। पापा आ चुके हैं। पापा गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून बेटा। और आप तीनों को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे पता है आप तीनों को भूख लगी हुई है, किसी ने लंच नहीं किया है, तो आप सब लंच कर लो। इतने में RGB लाइट्स का पता कराऊंगा बाजार से, चला जाऊं ना पापा? हाँ जा बेटा जा, सेटअप के लिए जाके पता कराता हूँ, चलो चलते हैं। Hey guys, ready the mount setup. नया माउंट सेटअप करा, मतलब एक तो नया कवर हो गया फोन का और एक साथ में नया माइक लगाया, बाद में बताना कि आवाज कैसे आ रही है, चलते हैं और बार बात करते हैं। सो गाइस, बात कुछ ऐसी थी, हमने RGB लाइट्स लेनी है, वो तो ये नहीं पता कि यहाँ से लेनी है कि कहाँ से लेनी है, क्या पता वो दिल्ली से ही लेनी हो। जब भी हम जाएं शायद कल का ना बन जाए प्लान, पापा के हिसाब से कल का बन सकता है प्लान। और आपको ये और बता दूं, साथ में रिएक्शन और नोट करना, और आपको ये बता दूं कि अब एक बार बस दुकान पे जा रहे हैं, जो मेरे को पापा ने बताई है कि वहाँ से एक बार ट्राई करके देख ले कि रेट कितना है, अमाउंट वगैरह टेस्ट करके वहाँ से 3-4 दुकान से कंपेयर करके फिर दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे भी कंपेयर करके तब लेंगे। क्योंकि ऐसे तो यार लेना वही है ना बात, ना आपको कुछ नॉलेज है तो ऐसे लेना कोई सही बात नहीं है, कैसे भी दुकानदार रेट लगा सकता है। गाइस आ चुकी है RGB की शॉप, चलो अंदर चल के पूछते हैं। RGB है, RGB लाइट वगैरह RGB में, और कोई हो उसी टाइप में, कहाँ से मिलेगी पता होगा मुझे, कहाँ से मिलेगी? और वही ना जो कलर चेंज करती हैं रिमोट वगैरह साथ आते हैं। जैसे कि आपने देखा मैं RGBs के लिए मार्केट वगैरह गया, तो उन्होंने कहा कि अंदर मार्केट में ट्राई कर लो, यहाँ पे तो RGBs नहीं मिलेंगी। तो मैं अंदर भी गया, तो अंदर भी सभी ने कोई अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ही क्यों ना, मतलब दिल्ली से ही क्यों ना सारी चीज़ें ली जाएँ और सारी चीज़ें देखी जाएँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी। वो कार मॉडिफिकेशन वालों के पास भी होती हैं RGBs, पर यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, तो वहीं जाके पता करेंगे। तो हे गाइस, अपना डिनर आ चुका है और डिनर में है पनीर की सब्जी, रोटी और पापड़। भाई भी इसी कारण थोड़ा सा वेट कर रहा था ताकि एक हम टेक ले लें। बाकी आपको ये बता दूं कि थोड़ी सी तबीयत ढीली होगी, लेकिन कल का प्रोग्राम कोई पोस्टपोन नहीं हुआ, कल जाएंगे हम दिल्ली, शायद मेरे हिसाब से तो जाएंगे। सो गाइस, एडिटिंग इज डन सक्सेसफुली और सब यहाँ पे सो चुके हैं, तो मैं भी सो जाता हूँ, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल। जान की पसूरी नू